देख रहे हैं क्राइम स्टोरी। दिवसीय की कार्यशाला बच्चों एवं महिलाओं की सुरक्षा के संबंध में पुलिस लाइन देहरादून में एक कार्यशाला आयोजित कराई जा रही है, जिसमें विशेषज्ञों द्वारा पुलिस कर्मियों को महिलाओं व बच्चों से संबंधित कानून के विभिन्न प्रावधानों के बारे में जानकारी दी जाएगी। इससे कार्यशाला के बाद प्रतिभागी पुलिसकर्मी दक्षता व कार्य कुशलता के साथ बच्चों व महिलाओं के प्रति हो रहे अपराधों की विवेचना कर प्रभावी कार्रवाई कर पाएंगे। कार्यशाला में जनपद देहरादून के जिला बाल कल्याण अधिकारी व समस्त थानों के मानव बाल कल्याण अधिकारी द्वारा प्रतिभाग किया जाएगा। कार्यशाला में मानव तस्करी, बाल यौन शोषण, बाल अधिकार इत्यादि विषयों के संबंध में गहनता पूर्वक विषय विशेषज्ञों द्वारा जानकारी दी जाएगी। देखिए, ये 3 दिवसीय जो है प्रशिक्षण शिविर रखा गया है हमारे कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर्स और सीओ स्तर के अधिकारियों के लिए। विमेन एंड चाइल्ड रिलेटेड जो लॉज हैं, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, पॉक्सो, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और रोल ऑफ चाइल्ड लाइन, चाइल्ड वेलफेयर कमिटी का क्या रोल होता है, तो बेसिकली सारे न्यायिक जो अधिनियम हैं उनसे इनको अवगत कराना और प्रैक्टिकली फील्ड में क्या प्रॉब्लम आती है उस संबंध में भी एक हेल्दी जो है डिस्कशन प्रमोट करने के लिए ये ट्रेनिंग 3 दिवस की ऑर्गेनाइज की गई है। इस ट्रेनिंग की यूनिकनेस ये है कि इस बार हमने कोशिश की है कि जो ट्रेनर्स IAS एवं IPS ऑफिसर्स को ट्रेनिंग देते हैं, उनको हमने अनुरोध किया है कि वो आकर हमारे कांस्टेबल्स और सब इंस्पेक्टर्स को भी जो है ट्रेनिंग दें, ताकि एक कैपेसिटी बिल्डिंग हो सके और जो है इनका जो अंडरस्टैंडिंग है वो बढ़ सके। ये ट्रेनिंग लबासना की डेप्यूटी डायरेक्टर अलंकृता सिंह ने डिज़ाइन की है और वो इसको करवा रही हैं, और उनके साथ मिस्टर सत्य प्रकाश हैं जिन्होंने चाइल्ड लाइन नोएडा में सबसे पहले चाइल्ड लाइन एस्टैब्लिश की थी। देख रहे हैं क्राइम स्टोरी।